हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू फ्रेश अमेजिंग व्लॉग। दोस्तों, तो जैसा कि पिछला वीडियो में आपने देखा था, मैं गया था हाजो माधव देव मंदिर और उसके बाद वहां से मैं गया हरे कृष्ण मंदिर जो लोकेटेड है अमीन गांव में, आईआईटी गुवाहाटी के एकदम पास में है वो मंदिर। और प्लान्स तो था उसके बाद कामाख्या मंदिर में जाने का और वैष्णो देवी मंदिर भी जाने का, लेकिन दोनों में पहुंच नहीं पाया क्योंकि रात को हरे कृष्ण मंदिर से निकलते निकलते बहुत ज्यादा देरी हो गया था। तो अभी जो वीडियो देखेंगे वो होगा हरे कृष्ण मंदिर का, जो मैंने शूट किया था 1 तारीख को साल के पहले दिन। एंड सॉरी वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया, बट चलिए कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। सो हेलो गाइस, दिस इज उदेश दास ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द उदेश व्लॉग्स। तो चलो वीडियो शुरू करी। सो इट्स 3:44 इन द इवनिंग एंड अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हरे कृष्ण मंदिर। तो अभी हम लोग जाएंगे अंदर, करेंगे अपना लाल का दर्शन और आप लोग भी घर बैठे बैठे डिजिटली हमारे लाल का दर्शन कीजिए और एंजॉय कीजिए। और उसके बाद का प्लान है कामाख्या मंदिर जाने का हम लोग का। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि जो मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट है वो बंद है, तो हम लोग को पीछे की तरफ से जाना है। ये देखिए, लाइन से हर जगह पे दोनों तरफ गाड़ी को पार्क किया गया है। इतना लोग आए हैं मंदिर में, इतना लोग, इसका मतलब तो एक ही है कि मंदिर में आज बहुत ज्यादा भीड़ होगा। अंदर का पार्किंग मे भी फुल हो गया होगा, इसीलिए हम लोग को बोला गया है कि बाहर में पार्किंग कीजिए। तो आज का एंट्रेंस गेट ये है जो पीछे से है। चलिए चलते हैं। और ये सब गाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, इन गाड़ियों में फ्री का महाप्रसाद दिया जाता है जरूरतमंद बच्चे हैं उन लोगों को। और लाइट दोस्तों, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हरे कृष्ण मंदिर में। और अभी देखिए आप, इतना भीड़ है। तो इस जगह पे हम लोग अपना जूता चप्पल वो सब जमा करा रहे हैं। यह है फुटवेयर स्टैंड और ये है एंट्रेंस गेट हरे कृष्ण मंदिर का, वे टू टेम्पल। फाइनली हम लोग वो जगह पे पहुंच चुके हैं जिस जगह पे आने के लिए मैं जाने कितना दिनों से वेट कर रहा था। ये देखिए, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हरे कृष्णा मंदिर के मेन गेट के पास और अभी मुझे इंतजार नहीं हो रहा है, हमें मिलना है अपने लाल से। चलिए चलते हैं अंदर और करवाते हैं हम आपको अपना लाल का दर्शन। भाई और भीड़ देखो यहाँ पे। मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छा ये आपका गेट ही लगा यार, क्या सही बनाया है इसको। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा। तो यहाँ पे तिलक लगाया जा रहा है सबको। रामा रामा हरे हरे। तो भाई मैं कैसा लग रहा हूँ तिलक में, कमेंट करके जरूर। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। चार बजकर 20 मिनट हो रहे हैं और अभी भगवान का धूप आरती हो रहा है और हम लोग अभी अन्नदान करने जा रहे हैं। दोस्तों, तो यहाँ पे अन्नदान के लिए प्रसादम रखा गया है। तो इस संपूर्ण भोग के लिए 500 रुपए पड़ेंगे आपको चार्ज, एंड ये है सिर्फ खीर के लिए 200 रुपए। तो हम अभी अन्नदान करने वाले हैं, तो ये 500 रुपए वाला पापा का नाम से। हरे कृष्णा। दोस्तों, तो हम लोगों ने अन्नदान कर लिया और अभी हम लोग कर रहे हैं परिक्रमा भगवान कृष्ण का। हरे कृष्णा
शिल प्रभुपाद की जय। हमारे गुरुदेव शिल प्रभुपाद। हरे रामा हरे रामा रामा रामा। दोस्तों तो हमारे लाल का दर्शन कीजिए आप, और ये बताइएगा कि अगर आप कृष्ण मंदिर में पहले आए हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप नहीं आए हैं तो भी कमेंट कीजिएगा। मैं लोकेशन और डिटेल्स सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों तो हरे कृष्णा मंदिर में हम लोगों ने, मैंने और आप लोगों ने डिजिटली हमारे लाल का दर्शन कर लिया, और अभी सीन कुछ ऐसा है कि आपके भाई को लगा है भूख, तो अभी हम कुछ ऑर्डर करेंगे और खाएंगे यहाँ पे। तो ये है भगवान कृष्ण का महाप्रसाद। महाप्रसाद की जय। तो भाई हम लोगों ने महाप्रसाद खा लिया, और अभी बारी है दूसरा महाप्रसाद खाने का। तो आज प्रसाद पार्टी होने वाली है आपके भाई की। दोस्तों तो ये जो जगह है यहाँ पे आप महाप्रसाद खा सकते हैं, हर एक टाइप का महाप्रसाद आपको मिल जाएगा। एंड आज का मेन्यू में ये देखिए क्या है, चौमिन, छोले भटूरे, डोसा, पापड़ी चाट, समोसा एंड जलेबी। तो यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स है, आपको जैसा खाना है जो भी खाना है वो ऑर्डर कीजिए, और मस्त मस्त तरीका से प्रसाद को एंजॉय कीजिए। और अगर आप लोग को कुछ ऑर्डर देना है तो यहाँ पे आपको कूपन काटना होगा, महाप्रसाद का ऑर्डर देना होगा। ये देखिए मैंने कूपन काट लिया है। दोस्तों तो ये देखिए हमारा महाप्रसाद हमें मिल चुका है, और पापा ने खाना भी स्टार्ट कर दिया। पापा कैसन बा बताओ तो? बहुत बढ़िया है ना, ठीक बा। अरे थोड़ा देर कैसे लगा था, है ना, देख कैमरा कैमरा में इतना शाइन ना हो गया अनु। मम्मी कैसा ना हो, अच्छा ठीक बा। क्या जी ये जी कैसा, बहुत बढ़िया बा, ठीक बा। तो चलिए हम भी अपना महाप्रसाद को खा ले। अरे दोस्तों तो महाप्रसाद खाने के बाद मैं वापस चला आया अपने घर, और प्लान्स तो था बाकी मंदिर जाने का, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि निकलने में बहुत लेट हो गया था। तो बस आज के इस शानदार से ब्लॉग में बस इतना ही था। मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड हरे कृष्णा टू एवरीवन। मिलते हैं रहुआ लोग से अगला वीडियो में, तब तक घर में आराम से मजा करी और दूसरा वीडियो के इंतजार करी। बाय बाय।